डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, 12th क्लास में जो केमिस्ट्री में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, एमीन का जो प्रकार होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तो इस एमीन को पहचानने के लिए हम लोग सीखा कि किसको हम आखिर बोलेंगे 1 डिग्री एमीन है और किसको बोला जाएगा 2 डिग्री एमीन और किसको 3 डिग्री एमीन। क्लियर? अब आपको जानने में आश्चर्य होगा कि जो हम लोग एमीन का IUPAC कर लिखने वाले हैं, जैसे कि हर जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े उसका IUPAC नाम हम लोग देखे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आई यू पी एस सी नाम हम लोग एमीन का भी सीखेंगे, ठीक है। और इस एमीन के IUPAC में दोस्त 1 डिग्री एमीन को हम लोग IUPAC लिखने के लिए अलग रूल नियम है, ठीक है। और एक तरफ बटा हुआ है IUPAC रूल में 2 डिग्री एमीन का और 3 डिग्री एमीन का, यानी कि 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन कि IUPAC नाम लिखने का जो रूल नियम है ये दोनों के लिए एक रूल नियम है और 1 डिग्री के लिए अकेले रूल नियम अलग है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग अलग अलग कैटेगराइज में एमीन का IUPAC पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन के लिए IUPAC नाम, फिर पढ़ेंगे 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन के लिए IUPAC नाम। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके लिए रूल नियम अलग होता है, इसके लिए अलग होता है। इसलिए अभी हम लोग जो टॉपिक्स देंगे वो ये कि 1 डिग्री एमीन के लिए IUPAC नाम, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ IUPAC नाम है, और किस एमीन के लिए, तो 1 डिग्री एमीन के लिए। चलिए इसमें लिखा जाए टू द पॉइंट रूल नियम। तो पहला रो देखकर लिखिएगा, सबसे पहले PC चुनना होगा, सबसे पहले PC चुनना होगा। सेकेंड एरो में जिधर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा N, ठीक है। जिधर से नाइट्रोजन मतलब N नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट एरो, यदि नाइट्रोजन फेल हो जाए तो सब्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट एरो, यदि सब्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो अल्फाबेट के आधार पर, ये सब तो पुरानी बात है, समझ रहे होंगे अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। और नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में एमीन जोड़ा जाता है। इसमें सफिक्स के रूप में एमीन
जोड़ा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या बोले कि सबसे पहले PC चुनना है, तो PC में तो नाइट्रोजन नहीं होता है। PC का मतलब प्रिंसिपल चैन, और प्रिंसिपल चैन में सिर्फ कार्बन का ही चैन होता है, तो हमें ये कार्बन का चैन चुन लिए। सबसे लंबा चैन होता है कार्बन वाला, चुन लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उधर से ही, क्योंकि इस PC का एक छोर इधर हो गया और दूसरा छोर इधर हो गया, तो ये दोनों छोर में किधर से नंबरिंग करना है। तो आप रूल देखिए, जिधर से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन इधर से ना जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। अगर मान लिया कि नाइट्रोजन फेल हो जाए तब हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो जाता तब अल्फ़ाबेट लगाते हैं, और लास्ट में इसमें सफिक्स के रूप में एमिन जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए ये कितना कार्बन का चैन है, 1 2 3, तो 3 नंबर पे आता है मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। और कितना पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है भाई, एक पर ना, तो प्रोपेन 1 1 लिखेंगे एमीन। इसका मतलब 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 पे एमीन जुड़ा हुआ है, 1 पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ऐसा है, CH3 CH2 CH3 NH2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, ये हो गया PC हो गया। अब इस PC का कौन सा लास्ट छोर है, बहुत सारे लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं। सर आप तो बोले कि जहाँ से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वहाँ से नंबरिंग करेंगे, नहीं, जिधर से नाइट्रोजन नज़दीक पड़ेगा ये हम लिखे हैं। तो यहाँ पे एक छोर इधर हुआ PC का, दूसरा छोर इधर हुआ, तो पहला छोर और अंतिम छोर, और ये दोनों छोर को आप जब अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे है, इधर से भी दूसरे नंबर, इधर से भी दूसरे नंबर, क्लियर। तो अब तो किधर से भी कर सकते हैं, अदर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है नाइट्रोजन के अलावा, और सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो आप इसमें जिधर मन उधर से कर लीजिए 1 2 3। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन का चैन में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए आता है मेथ एथ प्रो, तो 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। और कितना पे नाइट्रोजन, 2 पे, तो प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, प्रोपेन 2 एमीन, ये होगा इसका IUPAC नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, CH3, CH F, CH NH2, CH2, CH3, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले हम क्या बोले, PC चुन लो भाई, PC मतलब सिर्फ कार्बन का चैन, सबसे लंबा चैन, यही होगा PC। अब इस PC में आपको क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है। तो इस इधर से भी हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन यानी कि एमीन 3 नंबर पे, और दूसरे तरफ से भी 3 नंबर पे, इसलिए हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि बाएं तरफ से भी 3 नंबर पे, दाएं तरफ से भी 3 नंबर पे, नाइट्रोजन फेल। तो जब नाइट्रोजन फेल हो जाता है तो अदर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है बाएं तरफ से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है और दाहिने तरफ से चौथे नंबर पे पड़ रहा है, तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2
3, 4, 5। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जब नाइट्रोजन फेल हो गया तो सब्टिट्यूएंट देखते हैं ना, तो सब्टिट्यूएंट फ्लोरीन है, तो इधर से ना नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग कर दिए। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग सब्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्टिट्यूएंट कितना पे फ्लोरो है? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फ्लोरो, 2-फ्लोरो। और कितना कार्बन का चेन? तो 5, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, तो 2-फ्लोरो पेंटेन, पेंटेन हो गया। पेंटेन के बाद कितना पे एमीन? तो 3 पे, तो पेंटेन 3 एमीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2-फ्लोरो पेंटेन 3 एमीन, ठीक है। तो अब बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देते हैं। क्वेश्चंस लिखा जाए CH3, आप खुद इसको बनाइएगा, CH NH2 CH3। पांचवा नंबर, CH, ठीक है, OH, और यहाँ पे NH2, CH2 नहीं है भाई, CH है ना, क्योंकि कार्बन का 4 पूरा हो जाना चाहिए बस, CH3, ठीक है। छठा क्वेश्चन, CH3 CH Cl CH NH2 CH F CH3। सातवां, CH3 CH3 CH OH CH CH3, यहाँ पे CH F CH NH2 CH CH3 Cl, ठीक है। ये क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH2 CCH2 CH3, ऊपर भी CH3 है, NH2 है, इसका है नेक्स्ट एंड लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन, CH3 CH2 CH 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 CH3 CH3, ठीक है। और जोड़ देते हैं यहाँ पे सी से सी एच से NH2, ठीक है, और इस सी एच से CH2, और यहाँ से CH3, ठीक है। तो ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्त। आपको जिस तरीके से बताए हुए हैं 1 डिग्री एमीन का निकालने के लिए IUPAC नाम, आप वैसे ही ट्राई कीजिएगा। तो इसी है, आप सबसे पहले PC चुनिएगा, सबसे मेन काम वही है, और PC चुन कर और फिर उसको देखिएगा कि किधर से नाइट्रोजन कम हो रहा है, क्योंकि रूल बोलता है पहले नाइट्रोजन जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर नाइट्रोजन इक्वल हो गया, सेम हो गया, फेल हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर हम लोग यहाँ पे सब्टिट्यूएंट देखेंगे। सब्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो फिर अल्फाबेट देखेंगे। तो आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।